भारत मजबूत है राजनाथ सिंह। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार राजू बिस्टा के समर्थन में सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 28 के टिकियापाड़ा मैदान में जनसभा को संबोधित किया। सभा में भाजपा उम्मीदवार राजू बिस्टा, सांसद समीक भट्टाचार्य, शंकर घोष समेत अन्य लोग उपस्थित थे। इस दिन रक्षा मंत्री चुनावी सभा के मंच से विदेशी ताकतों, आतंक और आतंकवादियों को कड़ा संदेश देते हुए नजर आए। राजनाथ सिंह ने कहा, भारत मजबूत है, जो भी आकर आग दिखाएगा ऐसा दोबारा नहीं होगा। भारत कमजोर नहीं है, कौन आएगा और भारत को आग दिखाएगा ऐसा दोबारा नहीं होगा। अगर कोई आग दिखाएगा तो आप जानते हैं कि क्या करना है। भारत के पास अब दुश्मन को नष्ट करने की ताकत है। बाद में जब राजनाथ सिंह ने बैठक की, पीओके वापस लेने की बात चिल्लाई, बिल्कुल हमारे पास पीओके था, हमारे पास पीओके है, हमारे पास पीओके रहेगा, चिंता मत करो, भारत के पास अब वो ताकत है। शायद इस स्थान पर पहली बार किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ हूँ। आपने तालियां बजाकर स्वागत किया है, लेकिन स्वागत अभिनंदन कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए, वन साइडेड नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर सिलीगुड़ी के सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। बहनों भाइयों, आपके कैंडिडेट राजू बिस्टा के बारे में मैं कहना चाहूंगा। राजू बिस्टा को पिछले कई वर्षों से मैं अच्छी तरह जानता हूं, बहुत नजदीक से राजू बिस्टा को मैंने देखा है, परखा है, और राजू बिस्टा को भारत की संसद में बोलते हुए भी मैंने सुना है। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आपका सांसद जब भारत की संसद में बोलने के लिए खड़ा होता है तो बहुत प्रभावी तरीके से अपनी बातों को संसद में रखता है। भाषण की एक शैली होती है, आर्टिकुलेशन, और आपके सांसद के अंदर वह आर्टिकुलेशन की एक कला है। काम करने के मामले में तो सारे मंत्रियों को आपका सांसद बहुत परेशान करता है। और मैं बताना चाहूंगा कि आपके सांसद को सारे जितने भी मिनिस्टर हैं बहुत ही प्यार करते हैं। आज आपके उसी सांसद के लिए फिर से मैं वोट मांगने आया हूं। पिछली बार आप लोगों ने 4 लाख वोटों से उन्हें विजय दिलाकर भारत की संसद में भेजा था। इस बार यह रिकॉर्ड टूटना चाहिए और 5 लाख से अधिक वोटों से आप अपने सांसद को मिला। बहनों भाइयों, यहां तक कि पश्चिम बंगाल का प्रश्न है, यह धरती विचारकों की धरती है, दार्शनिकों की धरती है, शिक्षाविदों की धरती है, कवियों की धरती है, बुद्धिजीवियों की धरती है। इसीलिए पश्चिम बंगाल के बारे में कहा जाता है कि बंगाल आज क्या सोचता है भारत कल सोचे, यह बंगाल के बारे में धारणा है। लेकिन दुखद स्थिति है कि टीएमसी भी यहां के जनसांख्यिकी को, डिमोग्राफी को बदलने की कोशिश कर रही है। मैं ममता जी से कहना चाहता हूं, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए, राजनीति की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। यहां की चाहे गोरखा हो, चाहे राजवंशी हो, चाहे आदिवासी हो, बंगाली हो, हिंदी भाषी हूं, राभा हूं, टोटो हूं, मेचो हूं, सभी इस वेस्ट बंगाल की ममता सरकार से पीड़ित हैं, दुखी। सरकार का काम यह होता है जन कल्याण कर, किस राज्य की रहने वाली जनता सरकार के कामकाज से सुखी हो, आनंदित हो। लेकिन टीएमसी के लोगों के कारण मैं देखता हूं कि पश्चिम बंगाल की जनता में एक दहशत की स्थिति बनी रहती है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और मैं यहां के बारे में कह सकता हूं, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के लोग, इतने सारे कौमों के लोग रहते हैं,
भाषाएं भी यहां मुझे लोग बता रहे थे, 100 से अधिक डायलेक्ट्स बोलियां हैं जिसको लोग यहां बोलते हैं। फिर भी एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ आप रहते हैं। आपका यह व्यवहार मैं समझता हूं अपने में मिसाल है, अपने में उदाहरण है, इसके लिए मैं आप सबको अपनी तरफ से बधाई देता हूं। आप किसी से शादी कर लीजिए और उस बहन को 10 दिन के बाद आप तलाक 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 3 बार बोलकर उसको छुट्टी कर लीजिए। दूसरी राजनीतिक पार्टी वोट के लालच में इसे बर्दाश्त कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती है मेरे बहनों। 3 तलाक को फिर लोगों ने समाप्त कर दिया। हम लोगों ने कहा कि नागरिकता कानून हम पास करेंगे, कर दिया नागरिकता कानून। यहां पर ममता जी लोगों के आंखों में धूल झोंक रही है, गुमराह कर रही है। क्या आपकी सारे मुस्लिम्स की नागरिकता समाप्त कर दी है? बहनों भाइयों, यह नागरिकता का कानून सिटीजनशिप अमेंडमेंट है, यह किसी की नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है, बल्कि नागरिकता देने वाला कानून है। अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, यदि किसी का वहां धार्मिक उत्पीड़न हुआ है, धार्मिक उत्पीड़न, और उसके कारण वह भारत आता है, चाहे जो कुछ भी होगा, डंके की चोट पर हम उसे नागरिकता भारत की मुहैया कराएंगे। यह हमारा समर्थन कर, यह बात तो हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में कही थी, उसे किया है हमने। बीपीएल परिवारों के लिए हम लोगों ने गैस सिलेंडर देने की बात कही थी, बहुत दिनों तक उन्होंने गैस सिलेंडर देने नहीं दिया। अजीबोगरीब स्थिति उन्होंने पैदा कर दी। अभी कुछ दिनों पहले मुर्शिदाबाद में रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही थी, क्या किया आपने? उस पर हमले हुए, जिन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी आपने नहीं की। और संदेश खाली की घटना तो बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि बहुत ही शर्मनाक घटना। और उसको टीएमसी के लोग अपराधी को सेंटर दे रहे हैं। ईडी सीबीआई जब भी आती है कोई याद कर ले, उसके ऊपर अटैक किया जाता है, आक्रमण किया जाता है। ममता जी आपके हुकूमत पे हो क्या रहा? दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसे बर्दाश्त कर लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहन भाइयों से कतई बर्दाश्त नहीं करे। हम लोगों ने जो कहा है वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे। आपने देखा मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत का स्टेशन, भारत का कद दुनिया में कितना बड़ा है। पहले हम लोग भारत के बाहर किसी इंटरनेशनल फोरम पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलते थे तो लोग कहते थे भारत कमजोर देश है, क्या सुनना इसको, बहुत सारे लोग उठ के चले जाते। आज यदि हम लोग भारत के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के लोग बोलते हैं, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है, भारत बोल क्या रहा है, यह भारत का स्पेशल सारी दुनिया में बड़ा। इकॉनमी का जहां तक सवाल है, अर्थव्यवस्था का, धन दौलत के मामले में, इकॉनमी के मामले में 2014 में जहां पर हमारा यह भारत दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था, आज वह जंप लेकर 5वें स्थान पर दुनिया में आकर खड़ा हो गया। बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स, बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री आज दावा कर रहे हैं दुनिया में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है तो भारत की है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यदि कहीं की है तो भारत की है। क्या भारतवासियों को इससे गौरव की अनुभूति नहीं होती? और उनका दावा है भारत ऐसे ही आगे बढ़ता रहा, इकॉनमी की साइज के मामले में यह भारत 2027 यानी 2027 आते आते दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में भारत खड़ा हो जाए। देश का कद बढ़ता है तो उसके प्रधानमंत्री और मंत्रियों का भी कद बढ़ता है। आपने देखा होगा रूस और यूक्रेन के बीच 2 वर्षों से संघर्ष चल रहा है,
बराबर रूस की तरफ से भी मिसाइलें, गोले, तोप, बम सब कुछ चल रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से भी चल रहे, बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। और जब यह युद्ध शुरू हुआ था तो उस समय हमारे भारत के बहुत सारे हजारों बच्चे यूक्रेन में पढ़ते थे, उनके गार्जियन, उनके माता पिता जो भारत में रहते, उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी क्या होगा हमारे बच्चों का। उनका एक डेलीगेशन हमारे प्रधानमंत्री से मिला और प्रधानमंत्री जी से कहा कि मोदी जी चाहे जैसे भी हमारे बच्चों को आप वहां से निकालिए,